IVM. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दुबई में सब कुछ या तो दुनिया में सबसे बड़ा है या सबसे महंगा है। कहीं भी चले जाइए, पैसे की चमक और उससे खरीदे जाने वाला वैभव बिखरा पड़ा है। पैसा सोच को कहां पहुंचा देता है, ये इसी शहर में आकर पता चलता है। और इस वैभव का चरम आपको उनके मॉल और दुबई फ्रेम नाम की इमारत में दिखाई देता है। अब जैसे दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल ऑफ दुबई को ही ले लीजिए। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की छांव में बसा मॉल ऑफ दुबई समृद्धि और वैभव का बेजोड़ नमूना है। करीब 1,20,00,000 वर्ग फीट में फैला यह मॉल दुनिया में इलाका घेरने के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा है। समझ लीजिए 50 फुटबॉल के मैदान इसमें समा जाएंगे। मॉल में घुसते ही एक एक्वेरियम या मछली घर है, पूरा कांच का बना हुआ है। अब आप कहेंगे तो इसमें ऐसा क्या है, ऐसे मछली घर तो कई जगह बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा कि कितने मछली घरों में आपने शार्क देखी है? जी हां, इसमें असली वाली शार्क, स्टिंगरे, मांटारे जैसी विशाल मछलियां तैरती रहती हैं। पूरा मछली घर 2 मंजिला ऊंचा है। उसके सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है जैसे बौने हो गए हों। इसमें समुद्र का ही पानी भरा जाता है ताकि मछलियों को ये न लगे कि वे समुद्र में नहीं हैं। वहां खड़े खड़े मैं सोचने लगा कि अगर यह मछली घर टूट जाए तो सुनामी आ जाएगी और पूरा मॉल डूब जाएगा। फिर खुद को ही लगा क्या क्या सोचता रहता हूं। इसी मॉल के सामने दुनिया की हर किस्म की स्पोर्ट्स कार एक लाइन में लगी रहती हैं और कोई भी उनके सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवा सकता है। ऐसी ही जगहों पर कभी कभी कोई शेख अपनी खास कारों में बैठकर आते हैं। ये वो कार हैं जो उनकी खास पसंद के अनुसार ही बनी है। उन्हें देखकर भी आपको हैरानी होती है कि आदमी का दिमाग कहां कहां चलता है। आज मॉल ऑफ दुबई दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन शहर में एक ऐसा भी मॉल है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, फिर भी वो मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा इसलिए कि उसकी जैसी सजावट मैंने कभी कहीं नहीं देखी। ये था इब्न बतूता मॉल। इब्न बतूता 700 साल पहले मोरक्को के एक यात्री और लेखक थे, जिन्होंने अफ्रीका से लेकर चीन तक की यात्रा की थी। अपनी यात्रा में वे ईरान, भारत और बाद में स्पेन भी गए थे। तो पूरा मॉल उनकी यात्राओं की याद संजोने के लिए 4 झांकियों में बांटा गया है। ये 4 पवेलियन हैं अंदालुसिया, जो स्पेन के एक इलाके का नाम है जहां इब्न बतूता गए थे। यहां सारी दुकानें, चलने का रास्ता और यहां तक कि मॉल की छत, सब कुछ पुराने स्पेन की याद दिलाता है, जिनकी तस्वीरें या पेंटिंग्स आपने किताबों में देखी होंगी। इसके बाद आता है पर्शिया यानी आज का ईरान, और पूरा पवेलियन नीले टाइल से सजा है जो आपको ईरान या उज़्बेकिस्तान की याद दिलाता है। इसमें इंडिया पवेलियन में रखा लकड़ी का हाथी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अभी चल पड़ेगा, और पूरा पवेलियन देखकर लगता है जैसे राजस्थान में आ गए हों। लेकिन सबसे ज्यादा विराट तो चीन का पवेलियन है, जिसमें पुराने जमाने का पाल वाला पानी का जहाज पवेलियन के बीचों बीच रखा हुआ है। ऐसे ही जहाज में चढ़कर इब्न बतूता कभी चीन गए थे।
पूरे पवेलियन में लाल रंग के चीनी लैंप, पैगोडा शैली की दुकानें देखकर लगता है इस मॉल को बनाने वाले ने खूब मन और दिमाग लगा के इसे बनाया है। मॉल बनाना उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसका जुनून रहा होगा। लेकिन इन मॉल की दुनिया से दूर दुबई ने एक और नया कारनामा किया है और यह है दुबई फ्रेम। नेशनल ज्योग्राफिक के ट्रेडमार्क पीले फ्रेम जैसे दिखने वाले इस फ्रेम का रंग भी ट्रेडमार्क की तरह ही पीला ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है। ऐसा फ्रेम जिसके अंदर आप जाकर बैठ सकते हैं, इसके ऊपर तक जा सकते हैं और वहां कॉफी भी पी सकते हैं। असल में यह एक इमारत है जिसे फ्रेम के आकार में बनाया गया है। इसमें कुछ ऑफिसेज हैं, एक डेक है, कॉफी शॉप है और फूड प्लाजा भी है। पहली नजर में तो इसे देखकर लगता है कि ऐसे फ्रेम के आकार की इमारत बनाने की क्या जरूरत थी और खाली फ्रेम की तरह बनी इस इमारत का मतलब भी क्या है। कोई भी यह सोच सकता है कि फ्रेम में तस्वीर भी तो होनी चाहिए, पर तस्वीर है कहां? यही सोचते सोचते आप दुबई फ्रेम की इमारत से थोड़ा दूर जाते हैं तो वहां से फ्रेम के पार दुबई की स्काईलाइन देखते हैं और आपको एहसास होता है तो यह है वो तस्वीर। दुनिया का अकेला फ्रेम जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा जिंदा शहर और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत तस्वीर की तरह कैद दिखाई देते हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton meets Dr. John DeMartini. He is a world-renowned human behavior expert and founder of the DeMartini Institute. He shares 5 actionable habits to align our purpose and values. On Think Fast, Varun and Suchita discuss Disney Plus Hotstar swelling subscription numbers and actor Dwayne The Rock Johnson's new alcohol brand, Theramana Tequila. On All Things Policy, the Takshashila folk take a close look at the union government banning another 54 Chinese apps. On Smarter with Sid, Siddharth explores how Shark Tank India is changing the equation of the startup economy. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Bhutan's royal capital, Thimphu. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. It really helps us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to. And also remember, you can check us out on YouTube at www.ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Inflation, fiscal deficit, GDP, MSP, NPA, equity market वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कम वक्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।